तो कहानी की शुरुआत एक चर्च को दिखाते हुए होती है जहां सारा नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। यहां चर्च में फादर सबसे कहते हैं कि अगर इंसान सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करता है तो वो पहाड़ को भी हिला सकता है। सारा फादर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी क्योंकि उसकी फैमिली भगवान को बहुत मानती है। चर्च से निकलने के बाद सारा अपने पेरेंट्स के साथ अपने बड़े भाई डैनी का फुटबॉल मैच देखने के लिए जाती है जहां डैनी की गर्लफ्रेंड सिंडी भी आई हुई थी। यहां डैनी काफी अच्छा खेल रहा था पर अपोजिट टीम से ब्रोनर नाम का एक प्लेयर चीटिंग करता है जिस वजह से डैनी को येलो कार्ड मिल जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ब्रोनर मैच जीत जाता है। मैच खत्म होने के बाद वो सभी सारा के ग्रैंडपा सैम के घर जाते हैं जहां सारा डैनी और उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी पास की एक झील में फिशिंग करने के लिए जाते हैं। तब सारा को झील के किनारे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। सारा उस चिड़िया को ठीक करने के लिए भगवान से प्रे करने को कहती है जिस पर डैनी उसे समझाता है कि प्रे करके मरे हुए जानवर को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। लेकिन सारा उसकी बात नहीं सुनती और चिड़िया के लिए प्रे करने लगती है जबकि डैनी और सिंडी मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। जब एक घंटे के बाद वो दोनों वापस झील के किनारे आते हैं तो देखते हैं कि सारा अपने घुटनों पर बैठी हुई है। तभी सारा उन्हें बताती है कि मुझे पानी के ऊपर भगवान दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अचानक से तेज हवा चलती है और देखते ही देखते उस चिड़िया में जान आ जाती है। उस चिड़िया को उड़ते हुए देख सिंडी और डैनी हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ये सब सारा की वजह से हुआ है बल्कि उन्हें ये लगता है कि वो चिड़िया तेज हवा के कारण जाग गई होगी। झील से लौटने के बाद सारा सैम के पास आती है और उन्हें चिड़िया के बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने भगवान को झील पर देखा था जिन्होंने उस चिड़िया को मेरे सामने जिंदा कर दिया। सैम सारा से बहुत प्यार करता है इसलिए वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है क्योंकि तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो। रात होने पर सारा अपने घर लौट आती है जहां वो डैनी का फोन चुराकर अपने सबसे अच्छे दोस्त मार्क को कॉल करती है। दोस्तों मार्क चल नहीं सकता क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसने अपने पैरों को खो दिया था इसलिए अब वो व्हीलचेयर की मदद से चलता है। जहां सारा मार्क को भी झील के पास हुए चमत्कार के बारे में बताती है लेकिन मार्क उसकी बात पर विश्वास नहीं करता इसलिए सारा बाइबल की कसम खाकर उसे विश्वास दिलाती है। साथ ही उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इसके बारे में पता चले क्योंकि अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वो मुझे पागल समझेंगे। तभी सारा की माँ बनी वहाँ आ जाती है और सारा को सोने से पहले आज के दिन बीती सभी चीजों के बारे में सोचने के लिए कहती है जिस पर सारा अपनी माँ से कहती है कि भगवान उसे जल्द ही स्वर्ग ले जाएगा। ये सुनकर बनी बहुत परेशान हो जाती है और सारा को ऐसी बातें ना करने को कहती है। कुछ घंटों के बाद डैनी अपने पेरेंट्स को जगाता है और उन्हें बताता है कि सारा बहुत बीमार है इसलिए पेरेंट जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर बेन को बुलाते हैं। डॉक्टर बेन सारा को चेक करते हैं और उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि सारा को बस पेट में फ्लू हुआ है इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी बनी बेन को बताती है कि आज सारा ने मुझसे मरने की बात की थी साथ ही कहा था कि उसने झील के किनारे भगवान को देखा था जिस पर बेन उसे समझाता है कि बच्चे अक्सर इमेजिनरी चीजों की बातें किया करते हैं इसलिए उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। बेन के जाने के बाद सारा के रूम में उसके पिता एलेक्स आते हैं जहां वो एक पेंटिंग को देखते हैं जिसे सारा ने बनाया था। इस पेंटिंग में उसने झील के ऊपर खड़े भगवान को बनाया था पर हैरानी की बात ये थी कि सारा ने पहले कभी पेंटिंग नहीं बनाई थी इसलिए एलेक्स इस बात से बहुत हैरान थे। इसके बाद एलेक्स उस पेंटिंग को ले जाकर बनी को दिखाता है जिसे देखकर बनी भी शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन हम सारा और मार्क को एक साथ स्कूल से घर जाते हुए देखते हैं जिस दौरान उन्हें रास्ते में कुछ लड़के घेर लेते हैं और सारा से अपने मरे हुए जानवर को वापस जिंदा करने को कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। यहां सारा को पता चल जाता है कि मार्क ने ही उन लड़कों को उसकी चमत्कार वाली बात बताई है। दरअसल मार्क सारा के चमत्कार वाली बात से एक्साइटेड था इसलिए उसने सबको इस बारे में बता दिया था। इस बीच डैनी और सिंडी वहां से गुजरते वक्त सारा और मार्क को परेशान होते हुए देख लेते हैं इसलिए डैनी सारा को परेशान करने वाले लड़कों को फुटबॉल से अटैक करके भगा देता है। तभी ब्रोनर अपने डॉग के साथ वहां आ जाता है और डैनी का मजाक उड़ाते हुए उसे लड़ाई करने के लिए उकसाता है। ठीक उसी समय ब्रोनर के फ्रेंड तेज स्पीड में कार को ड्राइव करके ब्रोनर की ओर आते हैं। तभी डैनी कार को देख लेता है इसलिए वो जल्दी से ब्रोनर को धक्का देकर बचा लेता है पर ब्रोनर के डॉग की कार से टकराने की वजह से मौत हो जाती है। तभी सारा उस डॉग के पास आ जाती है और उसके लिए भगवान से प्रे करने लगती है जिसके तुरंत बाद ही वो डॉग वापस जिंदा हो जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। इस चमत्कार को देख सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक छोटी सी लड़की मरे हुए जानवर को कैसे जिंदा कर सकती है। इसके बाद रास्ते में मार्क सारा से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए प्रे करके मुझे वापस ठीक कर सकती हो जिस पर सारा कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि मेरी प्रे वर्क करेगी लेकिन फिर भी सारा उसके लिए भगवान से प्रे करते हुए कहती है कि मार्क बहुत अच्छा लड़का है इसलिए मार्क को ठीक करके उसे चलने में मदद की जानी चाहिए।
चाहिए। खैर अभी सारा की प्रे से कुछ नहीं होता, पर अगली सुबह मार्क के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां वो डॉक्टर को बताते हैं कि मार्क अपने पैरों को मूव कर सकता है। ये देखकर डॉक्टर बेन भी शॉक थे। यहां बेन मार्क की माँ से कहते हैं कि उन्हें मार्क के ठीक होने से ज्यादा होप नहीं करनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर का मानना है कि मार्क कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। तभी मार्क अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है और बहुत खुश हो जाता है। साथ ही मार्क के पेरेंट्स उसे ठीक देखकर खुशी से रोने लगते हैं। तब मार्क बताता है कि उसे सारा की प्रे ने ठीक किया है। इसके अलावा वो ब्रॉनर के डॉग और झील पर जिंदा हुए उस पक्षी के बारे में भी बताता है। इस दौरान एक मीडिया रिपोर्टर हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आती है और मार्क की सारी बातें सुन लेती है, जिससे वो सारा के बारे में न्यूज़ पर बताने का फैसला करती है। कुछ समय के बाद सारा के बारे में न्यूज़ आने लगती है। तभी बेन और चर्च के फादर सारा के घर आते हैं और उसे मार्क के बारे में बताते हैं, जिसे सुन सारा खुशी से झूम उठती है और भगवान को उसकी प्रे सुनने के लिए शुक्रिया करती है। तब फादर उसे झील पर हुए इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, जिस पर सारा उन्हें सारी बात बताती है, पर बेन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद बेन सारा का टेस्ट करने के लिए उसे हॉस्पिटल में लाने का कहकर ले जाते हैं, जहां फादर का मानना था कि सारा के पास कुछ खास है क्योंकि डॉक्टर के पास मार्क के ठीक होने की कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इसके बाद हम एलेक्स को सारा के रूम में देखते हैं जहां सारा एक पेंटिंग बना रही थी। इस पेंटिंग में उसने घोड़े पर सवार एक लड़की को बनाया था। जब एलेक्स उससे पेंटिंग के बारे में पूछता है तब सारा बताती है कि मैंने इस लड़की को अपने सपनों में देखा था और मुझे लगता है कि ये लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। तभी हम इस पेंटिंग वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्रेसा है। ट्रेसा को कैंसर की बीमारी है और उसे घोड़े बहुत पसंद है। तभी वहाँ ट्रेसा के अंकल आते हैं जिन्हें देखकर ट्रेसा खुश हो जाती है और उन्हें बताती है कि वो मरने से डरती है। दरअसल ट्रेसा का कैंसर बिगड़ गया था, इसलिए अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। इस बीच ट्रेसा की माँ न्यूज़ पर सारा के बारे में देखती है और डिसाइड करती है कि वो सारा की हेल्प से अपनी बेटी को सही करवाएगी। अगले दिन ट्रेसा को सारा के घर ले जाया जाता है जहाँ पर कई पेरेंट्स अपने विकलांग बच्चों को ठीक करवाने के लिए पहले से ही खड़े हुए थे। यहाँ सारा के पेरेंट्स उन लोगों को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को उनसे दूर रखने का फैसला करते हैं। तब सारा अपने पेरेंट्स से पूछती है कि अगर मैं बीमार होती तो आप क्या करते, जिस पर पेरेंट कहते हैं कि हमें डर है कि अगर तुमने बाहर जाकर लोगों को सही कर दिया तो तुम कभी भी अपने बचपन को नहीं जी पाओगी क्योंकि फिर हर वक्त लोग सारा की हेल्प मांगने के लिए घर आने लगेंगे। यहां सारा अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनती और बाहर चली जाती है जहां वो ट्रेसा को देखकर तुरंत उसके पास आ जाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताती है। साथ ही उसे बताती है कि मैं जानती हूं कि तुम्हें घोड़े पसंद है। ये सुनकर ट्रेसा की माँ हैरान हो जाती है। तभी सारा उनके लिए प्रे करने लगती है, जिसके तुरंत बाद ही ट्रेसा को ऐसा फील होता है कि जैसे उसका कैंसर ठीक हो गया है। खड़े लोग और उसके पेरेंट्स के होश उड़ जाते हैं, पर तभी सारा अचानक बेहोश हो जाती है, इसलिए पेरेंट्स उसे बेन के क्लिनिक पे ले जाते हैं जहां बेन सारा के ब्लड टेस्ट करके रिपोर्ट आने का इंतजार करने को कहता है। यहां बनी बेन को बताती है कि सारा ने जब से बीमार बच्चों के लिए प्रे की है तब से वो बीमार है। इसी दौरान हॉस्पिटल के बाहर कई मीडिया वाले आ जाते हैं जहां किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटी लड़की बीमार लोगों को सही कर रही है। इधर बेन और सारा के पेरेंट्स हॉस्पिटल के बाहर मीडिया के लोगों को देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर न्यूज चैनल पर सिर्फ सारा की न्यूज दिखाई जा रही थी। इसलिए मीडिया से बचने के लिए बेन सारा के पेरेंट्स को कुछ दिनों के लिए सैम के घर पर रहने के लिए कहता है। इसलिए वो चुपके से पीछे वाले गेट से बाहर निकलकर सारा को सैम के घर पर ले जाते हैं। वहां बनी सैम को बताती है कि सारा ने जब लोगों को उसके सामने ठीक किया तो वो भी एक पल के लिए दंग रह गई थी। इसके अलावा वो बताती है कि जब से सारा ने कहा है कि उसने भगवान को देखा है तब से ही वो हर दिन बीमार हो रही है। इसी दौरान बनी के पास डॉक्टर बेन का कॉल आता है, जिनसे बात करने के बाद बनी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद सैम उसी झील के किनारे जाता है जहां सारा ने भगवान को देखा था। यहां सैम भगवान से अपनी पोती को ठीक करने की विनती करता है और रोते हुए भगवान से पूछता है कि अगर आपने सारा को इतना स्पेशल बनाया है तो आप उसे हमसे छीनना क्यों चाहते हैं। यहां हमें पता चलता है कि सारा को कोई बीमारी है जिस वजह से उसकी डेथ होने वाली है। अगले दिन बेन और फादर सारा के बारे में बात करने के लिए सैम के घर पर आते हैं, इसलिए बनी सारा को डैनी के साथ बाहर जाने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सारा के सामने उसकी बीमारी के बारे में बात हो। इसके बाद बेन बताता है कि सारा को ब्रेन ट्यूमर है, साथ ही कहता है कि शायद उसे भगवान के दिखने वाले हेलुसिनेशन के कारण ही ट्यूमर हुआ है, जिस पर बनी कहती है कि अगर ये उसकी हेलुसिनेशन है तो उसने बीमार बच्चों को ठीक कैसे कर दिया था। इस बात पर बेन कुछ भी बोल नहीं पाता क्योंकि उसे अभी तक सारा के चमत्कार पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी दौरान सारा डैनी को चकमा देकर घर के अंदर आ जाती है और बेन की बातें सुन लेती है। यहां बेन बताता है कि सारा जल्दी मरने वाली है क्योंकि उसकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। ये सुनकर
बनी बुरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। ये देखकर सारा अपनी माँ के पास आती है और उन्हें रोने से मना करने लगती है। साथ ही वो अपनी माँ को शांत करने के लिए कहती है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगी और भगवान के साथ रहूंगी, इसलिए उन्हें रोना नहीं चाहिए। पर अभी भी उसकी माँ चुप नहीं होती, जिससे सारा वापस झील पर जाने को कहती है, क्योंकि वो भगवान से पूछना चाहती थी कि क्या वो उसे कुछ सालों के लिए यहाँ पर जिंदा रहने देंगे, लेकिन बनी उसकी बात नहीं मानती। तब सारा जोर देकर झील पर जाने को कहती है, जिससे उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। इसलिए एलेक्स और बनी उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, जिस दौरान सारा को होश आ जाता है और वो सैम से कहती है कि मैं आखिरी बार झील पर जाना चाहती हूँ। इसके बाद हम सारा को हॉस्पिटल में देखते हैं। डैनी और सिंडी आए हुए थे। दोनों सारा को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। तभी वहाँ एलेक्स और बनी भी आ जाते हैं और सारा से बात करने लगते हैं। इसी बीच सैम डैनी को मैसेज करके अपने घर पर बुलाता है। जब डैनी और सिंडी वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सैम के घर पर वो सभी बच्चे हैं जिन्हें सारा ने ठीक किया था। यहाँ ट्रेसा बताती है कि जब सारा ने मुझे ठीक किया था तब मैंने उनके पीछे एक तैरती हुई परछाई देखी थी जो उन बच्चों की ओर हाथ बढ़ा रही थी जिनके लिए सारा ने प्रे की थी। साथ ही ट्रेसा कहती है कि सारा ने हमारी मदद की, इसलिए अब हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद सैम बताता है कि मैंने और फादर ने मिलकर सारा को झील पर ले जाने की पेंटिंग की है, क्योंकि सारा ही ऐसा करना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि झील में कोई जादुई शक्तियां हैं जिसके बारे में सिर्फ सारा ही जानती है और इन शक्तियों से शायद प्लान बनाते हैं। इसी रात ट्रेसा की माँ हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर होती है, जो कि डैनी के साथ मिलकर सारा को रूम से बाहर निकलवाने में मदद करती है और उसकी जगह पर अपनी बेटी को बेड पर लिटा देती है ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। दूसरी ओर सिंडी बेहोश होकर हॉस्पिटल के स्टाफ का ध्यान भटका देती है, जिससे डैनी बड़ी आसानी से सारा को हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है, जिसके बाद डैनी और ट्रेसा की माँ सारा को कार में बैठाकर झील की ओर जाने लगते हैं। तभी मार्क और सिंडी भी वहाँ आ जाते हैं और उनकी कार का पीछा करते हैं। इसी बीच सैम और फादर अपनी कार से झील की ओर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान मीडिया के लोग सारा को कार के अंदर देख लेते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में एलेक्स और बनी अपनी बेटी के बजाय ट्रेसा को देखकर चौंक जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि सैम उसे झील पर ले गया है, इसलिए वो दोनों भी झील के लिए निकल जाते हैं। यहाँ डैनी की कार को स्पीड में जाता हुआ देख पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। तभी सैम वहाँ आकर पुलिस के आगे आकर उन्हें चकमा देने लगता है, जिससे डैनी पुलिस से बच जाता है और जंगल के रास्ते से झील पर जाने लगता है। पर तेज बारिश और तूफान की वजह से उसके रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है, जिस दौरान ब्रॉनर वहाँ आ जाता है, जो कि डैनी की हेल्प करने को कहता है और बताता है कि उसे झील पर पहुँचने का शॉर्टकट रास्ता मालूम है। उसके बाद ब्रॉनर और डैनी दोनों बारी बारी से सारा को उठाकर झील की ओर ले जाते हैं। तभी रास्ते में एक भेड़िया उनका रास्ता रोक लेता है। तभी ब्रॉनर का डॉग उस भेड़िया को रोकता है, जिससे उसका रास्ता साफ हो जाता है और वो सारा को झील पर ले आते हैं। यहाँ डैनी भगवान से अपनी बहन की ओर से प्रे करना शुरू कर देता है, जिस दौरान सारा के पेरेंट्स, मीडिया और बाकी लोग भी आ जाते हैं। इतने तूफान में सारा को झील पर ले जाने के लिए बनी सैम पर चिल्लाती है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि सारा की डेथ हो गई है, जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तभी अचानक झील में से एक तेज रोशनी आती है, जिससे भगवान बाहर निकलते हैं और सारा की आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि सारा अब स्वर्ग जा चुकी है। इसके बाद सभी सारा की बॉडी को घर ले आते हैं और उसे बेड पर लिटा देते हैं, जहाँ डैनी को सारा की बनाई हुई आखिरी पेंटिंग मिलती है। इस पेंटिंग में उसने अपने आप को भगवान के साथ जाते हुए दिखाया था। सारा के पेरेंट्स इस पेंटिंग को देखकर समझ जाते हैं कि सारा को पहले से ही पता चल चुका था कि भगवान उसे लेने आ रहे हैं। इसी बीच डैनी को एक और पेंटिंग दिखाई देती है, जिससे सारा स्वर्ग से वापस आते हुए दिख रही थी। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर उसने ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई। तभी डैनी भगवान से प्रे करना शुरू कर देता है, जिसके तुरंत बाद सारा की आंखें खुल जाती हैं और वो वापस जिंदा हो जाती है। सभी लोग उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। तब सारा बताती है कि मैंने भगवान से कहा है कि मैं अभी स्वर्ग में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए वापस भेज दिया है। इधर डॉक्टर बेन जब अपनी आंखों के सामने भगवान के चमत्कार को देखता है तो वो भी भगवान पर विश्वास करना शुरू कर देता है। इसके बाद सारा बाहर जाती है, जहां खड़े लोग उसे जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं। उसे भगवान के बच्चे के रूप में मानते हुए अपने घुटने टेक देते हैं, जिस पर सारा सभी को उठने को कहती है।
करती है और बताती है कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि ये सब भगवान ने किया था। साथ ही कहती है कि जो भी भगवान पर सच्चा विश्वास करके प्रे करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। इसके अलावा वो सभी से अपनी फैमिली, बच्चों और एक दूसरे की मदद करने को भी कहती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टाउन के सभी लोग चर्च में आए हुए हैं और फादर की बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।